मैंने बहुत कोशिश की थी कि सरकार को ये जमीन सौंप दे यहाँ के लोग ताकि इसका निर्माण किया सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं मालसलामी अंचल के पट्टा सिटी जलकतरबाग मध्य विद्यालय पट्टा सिटी का शिक्षा का ग्रहण, शिक्षा का जो जलाने के लिए तमाम जो देखिएगा छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, ये विद्यालय को आज फिर से एक नए रूप में एक नए भवन का निर्माण के द्वारा आज उद्घाटन हुई है। स्वर्गीय सीता देवी शाह जी के पुण्यतिथि पर आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता साहू जी और शाह परिवार, यूं कह सकते हैं श्री बिहारी शाह की तमाम परिवार लोग के साथ में आज इस विद्यालय का फिर से एक भव्य रूप से निर्माण कराया गया। तमाम बच्चे लोग खुश हैं, खुशी होना बिल्कुल लाजमी है। हम तमाम चीजों से आपको अवगत करवाते हैं। पहले जब देखिएगा तो ये भवन काफी पुराना हुआ करता था, लेकिन अब जो है इस नए भवन को इसका श्रेय जाता है श्री श्री बिहारी जी मिल्स के द्वारा। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए मेरे साथ। मारवाड़ी मंडल के अध्यक्ष अनुज शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष जी को माला पहना करके स्वागत करी। इनकुल आउट स्वागत गीत के बाद हेलो नंदकिशोर यादव जिंदाबाद। स्वर्गीय सीता देवी शाह जी की पुण्य स्मृति में आंसर पटना सिटी मध्य विद्यालय जलकतरबाग इस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। देखिए, मध्य विद्यालय जलकतरबाग की हालत बड़ी खराब थी क्योंकि इसमें जमीन की कुछ समस्या थी, और मैंने बहुत कोशिश की थी कि सरकार को ये जमीन सौंप दे यहाँ के लोग ताकि इसका निर्माण किया सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहारी जी मिल्स परिवार को कि स्वर्गीय सीता देवी शाह के स्मृति में इन लोगों ने इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का काम किया है। विद्यालय के जीर्णोद्धार के कारण यहाँ के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी और उनको एक अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। ये पुण्य का काम है, अच्छा काम। शिक्षकों की कमी है सर? बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का काम भी राज्य की सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि बहाली के उपरांत शिक्षकों की कोई कमी विद्यालय को नहीं। इसी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। पहले कैसा था भवन? पहले बहुत टूटा फूटा था, जगह भी नहीं था बैठने का। अब तो बहुत अच्छा बन गया, सब जगह जगह भी है। क्या बोले? पहले का बिल्डिंग आपका कैसा है? पहले से तो काफी अच्छा हो गया है। अब पढ़ने वढ़ने का सुविधा यहाँ ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। पहले क्लास का सुविधा नहीं था, पहले क्लास का उतना सुविधा नहीं था। अब हमारे क्लास का अलग अलग क्लास बन गया, अब अच्छा सुविधा हो गया। अब हमारा वॉशरूम भी अच्छा खासा बन गया, ये सब सुविधा बहुत अच्छा हो गया। टीचर बहुत कम है, टीचर बहुत कम है। सर लोग बोले कि टीचर आएंगे, तो सर लोग से हम लोग का विनती होगा कि सर लोग, पहले तो बेंच भी नहीं होता था, हम लोग बैठते थे, अब तो सबका सुविधा हो गया है। पहले बेंच, सब चीज का सुविधा हो गया है। कि जो भी बच्चियां हैं काफी उत्साहित है, काफी खुश है। खास करके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मैंने एक सवाल किया था कि सर यहाँ पर शिक्षकों की भारी
कमी है तो उन्होंने खुद स्वीकार किए है और बहुत जल्द शिक्षक नियुक्ति में यहाँ भी बहाल कराया जाएगा ताकि जो भी पटना सिटी के जो बच्चे बच्चियाँ जो पाठ पठन जो करते हैं उनकी किसी भी तरह का समस्या नहीं हो। और मध्य विद्यालय ये जलकद्दर बाग मसलामी अंचल का है, तमाम प्रयास है कि शिक्षा का केंद्र शिक्षा का ज्योत पूरे देश भर में परचम लहराए। SS8 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।